नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, 8 सितंबर से 18 सितंबर तक कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में यह घटनाएं होकर रहेंगी, नहीं टाल सकते। चाहे तो आप हमसे लिखवा कर ले सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के लोगों के जीवन में दुर्लभ संयोगों का निर्माण होने वाला है। कुंभ राशि के लोगों के जीवन के सभी प्रकार की मुसीबतों से, सभी प्रकार के समस्याओं से और दुख तकलीफों से आप लोगों को छुटकारा भी प्राप्त होंगे। आप लोगों के सोचे हुए सारे के सारे कार्य भी पूरे होंगे। आप लोगों को जीवन में पैसे कमाने के मौके भी प्राप्त होने वाला है। जब से यह सितंबर का महीना आप लोगों के जीवन में प्रारंभ हुआ है, उस दिन से आप लोगों को किसी न किसी बड़ी मुसीबतों, बड़ी समस्याओं और समस्याओं से भी आप लोगों को ग्रसित होना पड़ रहा है। ऐसे में उन सभी समस्याओं का समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। बिजनेस के क्षेत्र में आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के सारे बिगड़े हुए कार्य भी अवश्य बनेंगे, जिनकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे, बहुत ही ज्यादा कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कार्य क्षेत्र में आप लोगों का समय काफी अच्छे होंगे। आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होंगे, आप लोगों को किस्मत की प्राप्ति होंगे, आप लोगों को प्रसन्नता की प्राप्ति होंगे। घर हो या कार्य क्षेत्र में आप लोगों को सभी विलासिता का माहौल रहेंगे। आप लोगों को सारे लोगों का सहयोग भी प्राप्त होंगे। आप लोगों को पैसों को लेकर बहुत ही सावधान सत्र को संभल कर रहने की जरूरत रहेंगे। दोस्तों के साथ आप लोगों का उदार रवैया भी आप लोगों को प्रभावित कर सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता होंगे। आपको अनियमित खान पान पर भी नियंत्रण रखने होंगे। ध्यान रहे, किसी भी वस्तु की अधिकता भी आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए आप किसी भी प्रकार के कोई भी वस्तुओं को जीवन में इस समय बिना सोचे समझे लाभ कमाने की कोशिश भी करें। आप लोगों को लोभ के आने में बचने का प्रयास करने होंगे। आपको अपने किसी के बहकावे में आकर कोई भी डिसीजन लेने से बचने का प्रयास करने होंगे। आप लोगों को सोच समझ कर फैसले भी लेने होंगे। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रारंभ कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों को सफलता मिलेंगे। आप लोगों को साल का सबसे लंबा समय लग सकता है। आप लोगों के जीवन में बड़ी दुखदाई और समस्याओं से आपको छुटकारा भी मिलेंगे। आप लोगों को धैर्य पूर्वक कार्य को करने की जरूरत होंगे। आर्थिक लाभ की उम्मीदें भी आसानी से रख सकते हैं। आप लोगों को सेहत और निजी संबंधी मामलों में अनदेखी न करें। फिलहाल जमीन जायदाद पर निवेश करना आपके लिए शुभ रहेंगे। भाग्य का आप लोगों को बेहतरीन सहयोग भी प्राप्त होंगे। भाग्य भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाएंगे। जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेंगे। योजनाओं से संबंधित प्रस्तावों की मंजूरी करना भी आपके लिए आवश्यक होंगे। आप व्यवसायिक व्यापारिक क्षेत्र में बड़ी उन्नति को हासिल कर सकते हैं। जितनी तेजी से आप लोगों को सफलता मिलेंगी, आप लोगों के जीवन में अनुकूल घटनाएं भी घटित होंगे। आप लोगों को शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। परिवार में आप सभी का सहयोग भी प्राप्त कर सकोगे। प्रेम जीवन में भी आप लोगों को बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। आप लोगों का समय लाभकारी रहेंगे और काफी ज्यादा प्रसन्नतादायक रहेंगे। निजी संबंध भी आप लोगों के प्रेमपूर्ण और सहयोगपूर्ण रहेंगे। आप लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहने से आप किसी विभिन्न कार्य को करने में संक्रियताओं को देख सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर साधनों की कोशिश कर सकते हैं। आप लोगों को व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी समय बिताने का मौका मिलेंगे। भाग्य का साथ मिलेंगे। सहकर्मी के सहयोग से भी आप लोगों को किसी बड़ी परियोजनाओं को पूरा कर पाने में सफल होंगे। इसके अलावा वरिष्ठ व्यक्तियों के हस्तक्षेप में आ रहे आप लोगों के सारे उम्मीदें, सारे का सारे पारिवारिक वातावरण भी बहुत ही समाधान हो जाएंगे। आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होंगी। आपको अपने परिस्थितियों का आकलन करने की जरूरत होंगी और फिर से दिल और दिमाग की बातों को सुनना होगा। आर्थिक मामले में भाग्य भी आपके साथ देने वाले हैं। आपको त्रिकोणीय व्यापारिक साझेदारी और संबंधों से लाभ की प्राप्ति होंगे। व्यक्तिगत संबंधों के मामले में आप लोगों के जीवन में आई हुई समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में तीन भूमिकाओं को निभाओगे। बेहतर यही होगा कि हर भूमिकाओं को अलग अलग रखें, उन्हें आसपास में ना मिलाएं, अन्यथा आप संशयग्रस्त हो सकते हैं। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय मनोरंजन के कार्य में व्यस्त करने का मौका मिलेंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आप काफी ज्यादा प्रसन्न होंगे।
और इसके बावजूद भी साहसिक कार्य को करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेंगी। कार्य क्षेत्र में और परिवार में आ रहे आप लोगों की सारी कठिनाइयां भी दूर होंगी। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां बिंदु वासिनी।